हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें मैं टैली प्राइम की वीडियोज आप लोगों को दे रहा हूँ और उसकी एक कम्प्लीट प्ले लिस्ट बन रही है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोज आ रहे हैं। लास्ट वीडियो मेरी जो थी वो लेजर क्रिएशन पर थी, उसमें मैंने लेजर क्रिएशन के कम्प्लीट स्टेप को बताया हुआ है बहुत ही डीपली। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जरूर देख ले गाइस। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लेजर्स को पीट करेंगे यहाँ, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं या बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो जो भी आती है उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करें और देखें कैसे हम इंपॉर्टेंट लेजर्स क्रिएट करते हैं, जैसे टेक्स्ट के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ड्राइंग का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, सस्पेंस के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। मेनी टाइप के लेजर्स हैं, उसको हम आज इसमें देखते हैं। और सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें मेथड समझना है कि लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है ना। अगर आपको आ रहा है तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाती है। तो आप देख पा रहे हैं हम गेटवे टैली के मेन विंडो पर हैं, जिसमें हमें मास्टर्स के अंतर्गत जाना है, बिकॉज लेजर क्रिएशन हम मास्टर के अंतर्गत करते हैं। कोई भी मास्टर बनाना है तो हमें क्रिएट पर जाना होता है, और क्रिएट पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, जिसमें हमें अकाउंटिंग मास्टर्स में काम करना है, हमें लेजर क्रिएशन करना है। यहीं से हम इन्वेंटरीज के मास्टर, स्टेटरीज मास्टर, सारे मास्टर्स हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं लेजर पर क्लिक करते हैं, और लेजर क्रिएशन में हम टैक्स लेजर क्रिएट करते हैं। टैक्स के लिए बात की जाए तो जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट टैक्स है, जिसे हम वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी कहते हैं। जीएसटी पर मेरी वीडियो आएगी, बहुत ही अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, उसमें सारे स्टेप मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको डीपली एक थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा जीएसटी के बारे में। सो आज की जो वीडियो है वो लेजर क्रिएशन पर ही है, तो हम यहाँ टैक्स लेजर को किस अंडर ग्रुप में डालते हैं हमारे लिए ये जरूरी है, तो आज हम इसको समझेंगे। जीएसटी में मैं आपको बता दूं, जीएसटी में दो तरीके से जीएसटी लिया जाता है, एक इंटर स्टेट सेल्स परचेज पर और एक इंट्रा स्टेट सेल्स परचेज। इंटर स्टेट सेल्स परचेज होता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसे हम इंटर स्टेट सेल्स परचेज कहते हैं। और जब हम अपने स्टेट में लेन देन या विद इन स्टेट लेन देन करते हैं तो उसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। और यदि इंटर स्टेट में सेल्फ परचेज हो रहा है तो आईजीएसटी लगता है, और यदि इंट्रा स्टेट में मीन्स विद इन स्टेट लेन देन हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। अगर यही केंद्र शासित प्रदेश है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज किया जाता है। आईजीएसटी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी को हम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। जो आईजीएसटी है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिश्रित रूप है, मीन इंटीग्रेट है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको मैं ये भी बता दूं कि जीएसटी में जो स्लैब रेट होते हैं टोटल 5 है, 0% जिसे न्यू रेट कहते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। कहीं कहीं सेस वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, वो सब आगे हम लोग समझेंगे। तो हमारा काम है हम लेजर क्रिएट करेंगे आज, और हमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इन सब के लेजर क्रिएट करने हैं। तो चलते हैं, हम लेजर क्रिएट करते हैं आईजीएसटी का। आईजीएसटी करते हैं, आईजीएसटी अकाउंट एंटर करते हैं। कोई भी टैक्स लेजर जो होगा, चाहे वो जीएसटी लेजर हो या फिर टीडीएस का हो, टीसीएस हो, वैट हो, अदरवाइज कोई भी टैक्स लेजर का अंडर ग्रुप जो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है, जो कि एक सब ग्रुप होता है करंट लाइबिलिटीज का। करंट लाइबिलिटीज का सब ग्रुप इसलिए होता है बिकॉज टैक्स हमारी लाइबिलिटी है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, यदि हमारा पेबल बनता है। आप देख पा रहे हैं, आप प्राइमरी ग्रुप शो कर रहा है यहाँ, टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स, जो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, उसमें हम यहाँ पर जीएसटी का चुनाव करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जीएसटी शो नहीं कर रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि अभी मेरी ये
मैंने एग्जाम्पल के लिए कंपनी क्रिएट किया हुआ है, और इसमें अभी मैंने कंपनी में कोई भी फीचर एक्टिवेट विशेष नहीं है। तो यहीं पर अगर जब आप लेजर क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पर आपको सेटिंग्स ना मिल रही हो उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पर F11 प्रेस कर दें। यहाँ पर कंपनी में भी आपको फीचर्स मिल जाएगा, या फिर आप F11 ही प्रेस कर दें। और आप देखें यहाँ पर हम एंटर करते हुए आते हैं, और यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगेगा, जिसमें आपको स्टेट में उत्तर प्रदेश चुनना है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रकार है वो हम रेगुलर चुन ले रहे हैं, बिकॉज रेगुलर में यदि रेगुलरली रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसको रेगुलर करते हैं। जो कभी कभार होते हैं वो कंपोजिशन में आते हैं, और जो आपके इकोनॉमिक जोन होते हैं उसे रेगुलर सिस कहते हैं। एंटर करके आते हैं, अगर इंडियन टेरिटरीज के लिए है तो आप यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ नीचे आएंगे, आप एक GST डालेंगे, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, वो हम यहाँ डालेंगे। यहाँ मैंने GSTR1 फाइल करने का जो पीरियड डाल दिया मंथली कर दिया। कंट्रोल ही करते हैं, सेव करते हैं, और हम आ जाते हैं अपने लेजर की विंडो पर। तो आप देख पा रहे हैं अभी यहां पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST शो कर रहा है। हम यहां पर GST पर क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं। GST जो IGST है वो एक GST का फॉर्मेट है, तो वहां पर हम चुनेंगे। और टैक्स का जो प्रकार है वो IGST है, तो यहां पर भी हम IGST चुनेंगे। आप देखें यहाँ 0% लिखा है। यदि हमें IGST को अलग अलग स्लैब रेट पर यूज करना है तो यहाँ पर हम परसेंटेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, और यदि हम एक ही स्लैब रेट पर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ परसेंटेज प्रोवाइड करने से क्या होगा कि आपके बाउचर विंडो पर वो परसेंटेज शो करेगा। अगर हम नहीं डालते हैं तो भी जो हम स्टॉक पर पैरामीटर जो भी टैक्स रेट डालेंगे वो डिडक्ट हो जाएगा, बट आपके बाउचर में दिखेगा नहीं बाउचर विंडो पर। और अगर यहाँ हम परसेंटेज प्रोवाइड कर देते हैं तो वाउचर विंडो पर दिखेगा, लेकिन अगर हम कोई भी परसेंटेज यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं तो IGST को उसी प्रारूप में हम केवल यूज कर पाएंगे। और अगर हमें दूसरे रेट पर यूज करना है तो फिर हमें आकर के यहाँ अल्टर करके परसेंटेज को चेंज करना पड़ते हैं। मान लेते हैं हमारा 12% IGST है, तो हम यहाँ पर 12% प्रोवाइड कर देते हैं। एंटर करते हैं और हम यहाँ से इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अगर हमें CGST क्रिएट करना है तो हम यहाँ CGST लिखेंगे, एंटर करेंगे। कोई भी टैक्स लेजर है उसका अंडर हेड आपका होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, GST का चुनाव करेंगे, यहाँ पर CGST चुनेंगे। और यहाँ पर हम परसेंटेज, अगर CGST हम जैसे 12% IGST है, अगर उसी रेट में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 6% डाल सकते हैं, अन्यथा जो भी हमारा टैक्स स्लैब होगा वो हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें राउंडिंग मेथड्स में 3 प्रकार की राउंडिंग दिख रही है। राउंडिंग का मतलब होता है कि जो जनरल फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम दशमलव के बाद पैसे को जोड़ते हैं। अगर हम चाहते हैं पैसा ना शो करे, डायरेक्ट अमाउंट आए, जैसे 50 रुपए 50 पैसे लिखा गया, तो हम चाहते हैं 50 रुपए ही है, दशमलव के बाद वाले को हम नहीं मेंशन करना चाहते हैं, तो उसको हम दशमलव के बाद के जो नंबर्स हैं, पैसे हैं, उनको हम रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो राउंडिंग मेथड यूज करते हैं। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब होता है मैथ्स में है कि अगर दशमलव के बाद 50 पैसे से ऊपर है तो हम अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपए में बन जाता है वो। अगर उससे कम है तो इधर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अगर हम डाउन राउंडिंग यूज करते हैं तो दशमलव के बाद 99 पैसे भी होंगे, 90 पैसे 99 पैसे भी हैं, तो भी वो इधर कोई अमाउंट ऐड नहीं होगा, वो 0 माना जाएगा। जो भी अमाउंट जैसे 50 रुपए 90 पैसे है तो 50 रुपए ही रहेगा। अप राउंडिंग हम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद कोई भी नंबर है, 10 पैसा 20 पैसा, तो उसको हम इधर 1 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो भी राउंडिंग मेथड आप जितनी भी लिमिट दे देंगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, तो मतलब नहीं है, कंट्रोल ही करके हम सेव कर लेते हैं। अगर हमें SGST बनाना है तो इसी तरीके से हम SGST का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हमने तीनों फॉर्मेट आपको इसलिए बता दिया, GST में आपको एक कंफर्म रहे कि जो लेजर हम क्रिएट करते हैं। अब चाहे SGST अगर हम इंडियन टेरिटरीज में हैं तो UTGST के नाम से बनाएंगे, और अगर हम स्टेट में काम कर रहे हैं अपने फुल फेस वाले स्टेट में तो हम SGST के अंतर्गत काम करेंगे। तो SGST पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ चूंकि 6% पे CGST बना है तो 6% पे भी SGST को भी मैंने कर लिया, और यहाँ
नॉट एप्लीकेबल किया, कंट्रोल ही करके हमने इसको सेव कर लिया। तो इस तरह से हम टैक्स लेजर का अंडर हेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल करके बना सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें सस्पेंस का लेजर बनाना है। सस्पेंस जो सस्पेंस है वो एसेट्स में इंक्लूड होता है, एक कंटिजेंट एसेट्स एक फॉर्मेट होता है। कंटिजेंट एसेट्स मतलब संदिग्ध संपत्ति, जो संपत्ति ना होते हुए कभी कभार संपत्ति का रूप ले लेता है, सस्पेंस में चीजें होती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होता है वो सस्पेंस ही होता है, उसका एक सस्पेंस के अंतर्गत हम डालते हो प्राइमरी ग्रुप होता है आपका। तो यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे और इसको भी हम सेव कर लेंगे। इसी तरीके से अगर ड्राइंग में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, ड्राइंग जिसे हम आरण या निधि भी कहते हैं, जो व्यापारी अपने ऊपर खर्च करता है, अपने लिए निकालता है, और वो पूंजी से निकाला गया। ड्राइंग को हम कैपिटल हेड के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि कैपिटल एक निजी व्यय से डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लोग कहते हैं, बट आप उसको ड्राइंग को कैपिटल से डिडक्ट होता है, तो यहाँ ड्राइंग कैपिटल में कर सकते हैं आप। ड्राइंग अकाउंट को हम यहाँ जाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ हमने कैपिटल का चुना होगा, कैपिटल कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ इन्वेंटरीज का कोई प्रभाव नहीं होता, कंट्रोल ए करके इसको हम सेव कर लेंगे। अगर एंट्री होगी ड्राइंग की तो क्या एंट्री होगी, माना कि व्यापार के मालिक ने अपने निजी खर्चे के लिए 50,000 रुपये व्यापार से निकाला, तो एंट्री तो होगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश, और पेमेंट वाउचर में किया जाएगा इसको। ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश पेमेंट वाउचर में करेंगे, बट लेजर बनाते समय हम अंडर हेड ड्राइंग का कैपिटल डालते। अगर हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है हमारे कस्टमर से, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का हम लेजर बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कर लिया हमने और यहाँ एंटर किया हमने। हम पुस्तक में भी रिसीव्ड अलग लिख सकते हैं, और इंटरेस्ट जो होता है वो मंथली या ईयरली फॉर्म में मिलता है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है या तो मंथली में काउंट होता है या ईयरली होता है, वार्षिक ब्याज जिसे हम कह सकते हैं, मासिक ब्याज या वार्षिक ब्याज। तो हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स अगर मिल रहा है तो इनकम में, और अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस में, क्योंकि रिसीव्ड है तो इनडायरेक्ट इनकम में इसको इंक्लूड करेंगे। और यहां से कंट्रोल ही करके हम सेव करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको मिल रही हैं, ये जीएसटी एक्टिवेट होने के नाते से आ रहा है। कंट्रोल ही करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। अगर मान लेते हैं हमें बैंक से लोन प्राप्त करना है, या बैंक में हम लोन का खाता ओपन कर रहे हैं, मान लेते हैं एसबीआई में हमने लोन अकाउंट खोला, तो एसबीआई लोन हम लिख सकते हैं, एसबीआई लोन अकाउंट, जो आपके लिए सुटेबल हो, जिस तरह से आपके समझ में आए उसको आपने एसबीआई लोन अकाउंट हमने कर दिया। और जब लोन अकाउंट हम खोलते हैं बैंक में, तो उसे हम बैंक ओडी के अंतर्गत रखते हैं, जिसे एसओडी भी कहा जा सकता है, सीओडी एसओडी, आप करंट ओवरड्राफ्ट या सर्विंग ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके खाते में पर्याप्त धन ना होने पर भी आप धन निकाल सकते हैं एज ए लोन, तो इसे बैंक ओडी में रखते हैं, जो कि लोन लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। सेट ओडी लिमिट अगर आपका है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि जो जनधन अकाउंट है उसमें 5,000 तक ओडी कर लिमिट है, 5,000 तक कर सकते हैं, ऐसे आपके खाते का कोई लिमिट निर्धारित होगा जिसमें आप लोन खाते को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा 50,000 की लिमिट है, हमने 50,000 यहाँ डाल दिया, और यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया, और बैंक है तो उसका आईएफएससी डाल दिए। हाँ, आईएफएससी कोड डाल दिया। अगर आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड है जो कि जोन का होता है, तो उसको आप दे सकते हैं। इस कोड की आवश्यकता होती है जब आपको विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करना होता है अपने अकाउंट में, तो इसका कोड की आवश्यकता पड़ती है। बैंक ब्रांच आप डाल देते हैं, मान लेते हैं हमने अयोध्या डाल दिया, अयोध्या डाल दिया। अगर आप रेंज, जो आपका सेटल्टर है, चेकबुक का रेंज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या मेंशन करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, बट आपके पास, चूंकि आपके पास आ जाएगा और उसका आपको यहाँ पर चेकबुक अपना मेंशन करना है, इसमें चेकबुक अगर आपको मिला तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने चेकबुक का ये स्टार्टिंग डाल दिया, यहां से हमने इस पर कर लिया, यहां करते हैं 102, सॉरी इसको कम भी कर सकते हैं, मान लेते हैं 102 कॉपी है या जो भी है, हमने ऐसे ही लिख दिया कुछ एग्जांपल में। अब यहाँ नेम
चेकबुक पर क्या नाम है वो अपना डाल दे सकते हैं। कंपनी के नाम से करते हैं, जैसे केसीआई टैली स्पेशलिस्ट है, केसीआई टैली स्पेशलिस्ट एंड कंपनी है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। एंटर एंटर करते हुए आप आते हैं, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक प्रिंटिंग का भी करना चाहते हैं तो आप एंटर करके यहाँ पूरा डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं, इसका हाइट विड्थ वगैरह जो भी है, अन्यथा आप इसको इग्नोर करें और यहाँ अपना पूरा एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो एंटर एंटर करते हुए सिम ने डाल दिया, एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोन खाते को भी बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमारी कंपनी के अपने सप्लाई को हम बढ़ाने के लिए हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं, किसी को कमीशन पेड करते हैं, तो उसका लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। कमीशन पेड का हम बना ले रहे हैं, कमीशन पेड अकाउंट एंटर करते हैं यहाँ पर। कमीशन क्या है, अगर हम पेड कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस होगा, और कमीशन हम इनडायरेक्ट में डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इस तरह से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर दिया, और सेटिंग्स की कोई आवश्यकता हमें है नहीं, तो कंट्रोल ए करके इसको हम सेव कर लेंगे। इस तरह से हम लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं बैक करके जा रहा हूँ यहाँ से, और मैंने जो लेजर्स क्रिएट किए हैं और जो पहले से क्रिएटेड थे इसमें, उसको हम चार्ट अकाउंट के माध्यम से देख सकते हैं। लेजर्स पर चले जाएंगे और यहाँ अल्ट एच करेंगे तो मल्टीपल मास्टर्स आ जाएगा, और यहाँ अल्टर पे चले जाएंगे और एंटर कर देंगे, यहाँ जितने भी लेजर्स हमने क्रिएट किए हैं विद अंडर ग्रुप आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक करने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करते हुए बैक आ जाएंगे और अपने मेन विंडो पर आ जाते हैं। इस तरह से हम लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो लेजर के स्वभाव को देखते हुए हम उसका अंडर ग्रुप का चुनाव करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।